ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सावन में अब की बार अमावस्या कब है और उसका तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या रहेगा। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या कहते हैं। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस साल अगर हम बात करें तो श्रावण में अमावस्या 20 जुलाई 2020 सोमवार के दिन पड़ रही है। प्रत्येक अमावस्या की तरह श्रावणी अमावस्या पर भी पितरों की शांति के लिए पिंडदान और दान धर्म करने का रिवाज माना जाता है। इस बार की अमावस्या तिथि पर बेहद खास संयोग बन रहा है। सावन महीने में जहां अमावस्या भी सोमवार के दिन पड़ रही है तो पूर्णिमा भी सोमवार के दिन है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो सोमवती अमावस्या और सोमवती पूर्णिमा का संयोग 47 साल बाद बन रहा है। वहीं 20 साल बाद सावन सोमवार को सोमवती और हरियाली अमावस्या का संयोग बन रहा है। इससे पहले साल सन 2000 में सोमवती और हरियाली अमावस्या एक साथ पड़ी थी। अगर हम बात करें तो इस दिन गंगा जल से स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर पितरों के जो आप निर्मित तर्पण होता है वह करें, श्रावणी अमावस्या का उपवास करें एवं किसी गरीब को दान दक्षिणा दें। श्रावणी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान भी बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू अथवा तुलसी का वृक्ष रोपण ज़रूर करें। किसी नदी या तालाब में जाके मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के पास चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। यदि आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन की अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करें। अमावस्या की शाम को माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या की रात को घर में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखें। शाम को भगवान शिव की विधिवत पूजा और अर्चना करें। उसके बाद उनको खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। सावन महीने में वर्षा के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है। श्रावण अमावस्या पर पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है और इन्हीं की वजह से मानव जीवन सुरक्षित है। इसलिए अगर हम बात करें तो इस हरियाली अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि श्रावण अमावस्या पर ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा देने का भी नियम है। मान्यता है कि दान करने से पाप कटते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पीपल को पूजनीय बताया जाता है। श्रावण अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी रिवाज है। इसके अलावा आप लोग जो भी जितना भी हो सके, जो भी आप इस धरती के लिए कर सकते हैं, जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से आप लोग करिए। जो भी आप दान दे सकते हैं आप दान दीजिए। श्रावण अमावस्या का अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो 20 जुलाई 2020 को 12:11:41 से अमावस्या आरंभ होगी और 20 जुलाई 2020 को रात में 23:04 पे अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो यह था कुछ श्रावण अमावस्या के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।